गुलबर्गा शहर के रेलवे स्टेशन पर कुछ महीनों से इतनी ज्यादा गंदगी देखी जा रही है और कोई सफाई कर्मचारी इस गंदगी को साफ करने यहां मौजूद नहीं है। रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ शहर से लोग सफर करते हैं और गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर हर जगह गंदगी भरी पड़ी है। लोगों की शिकायत पर लक्ष्मीकांत सोदी ने रेलवे स्टेशन को विजिट कर नाराजगी जाहिर की है। लक्ष्मीकांत सोदी ने कहा, अगर जल्द इस गंदगी को साफ नहीं किया गया तो तमाम हिंदू कन्नड़ा और दलित संगठन मिलकर रेलवे स्टेशन के सामने एहतजाज करेंगे। और शोलापुर डिवीजन से DRUCC मेंबर संदीप कुमार मिश्रा ने मीडिया से बात कर कहा, पिछले कुछ महीनों से सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर काम नहीं कर रहे हैं। रेलवे डिपार्टमेंट से मीटिंग कर शिकायत करने पर टेंडर खत्म होने का बहाना बनाया गया है। मीडिया के जरिए शोलापुर रेलवे डिवीजन से मुतालिबा किया गया है, जल्द गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई को मेंटेन करें। संदीप कुमार मिश्रा ने कहा, सफाई कर्मचारियों की सैलरी ना देने से रेलवे स्टेशन की यह हालत हुई है। रेलवे स्टेशन पर तमाम सफाई कर्मचारियों की सैलरी देना होगा और मजीद सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की जरूरत है। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। जो आज हम कलबुर्गी रेलवे स्टेशन के अंदर आए हैं, यहाँ का माहौल देखे तो ऐसा लग रहा है कि हम एक स्लम एरिया को आए जैसा दिख रहा है। क्यों बोले तो दो तीन दिन हुआ यहाँ का कर्मचारी एक भी नहीं है और ये जो यहाँ का जो ये स्टेशन के जो यात्री करते हैं यहाँ का खाना खा के यहीं छोड़ के जा रहे हैं, मगर यहाँ का क्लीन करने वाले कोई भी नहीं है। ये दो दिन से हम ऐसी हालत बल्कि मैसेज ऐसे, इसलिए हम आज रेलवे स्टेशन का देखे तो पूरा गंदगी फैला सो हुआ है यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर। मैनेजर साहब से बात करें तो भी मैनेजर साहब हमको मालूम नहीं है, ये टेंडर खत्म हुआ बोल के आंसर नहीं दे रहा बराबर, इसलिए हम आज इस मीडिया की तरफ से जो सोलापुर के रेलवे डिवीजन के मैनेजर है उनको बोलना चाहते हैं कि आज शाम तक जो भी करो आज शाम तक ये रेस्टोरेंट क्लीन करके दो, नहीं वो तो कल सुबह हम जो गुलबर्गा में कितने भी संगठन है, हिंदू पर संगठन हो, कन्नड़ पर हो, दलित पर हो, सब संगठन वाले आके यहाँ पे धरना बैठते बोल के हम वार्निंग दे रहे हैं। आज गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में पिछले दो तीन दिन से जो कर्मचारी काम करने वाले, सफाई कर्मचारी काम करने वाले हैं, उनका जो सैलरी है, जो डेली वेजेस उनका जो भी आना पेमेंट है नहीं आ रहा बोल के पिछले दो दिन से वो लोग साफ सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज गुलबर्गा के संगठन वाले थोड़े और मीडिया वाले DRUCC मेंबर्स को बुलाए, वहाँ पर बुला के है ना, वहाँ पर के सफाई कर्मचारी का और से बात करा के वहाँ के पूरे ऑफिसर्स को बुला के जो भी रिलेटेड ऑफिसर्स है सफाई कर्मचारी के होंगे या स्टेशन रिलेटेड बुला के वहाँ पर मीटिंग लिया गया। मीटिंग के दौरान हमने DRM साहब को और DCM साहब को भी कॉल किया, ADRM साहब से भी बात किया। बात करते हुए उन्होंने बोले कि जो पिछला टेंडर था वो खत्म होके 4 महीने हो गया है, अभी जो नया टेंडर करे हैं उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस दौरान जो भी कर्मचारी काम कर रहे उनका डेली स्टेशन इंप्रेसिव में से देते बोल के बोले, इंप्रेस अमाउंट बोल के एक आता है उसमें से देते बोल के बोल रहे थे हो। लेकिन जो 5 लोग काम कर रहे हैं स्टेशन में अभी फिलहाल, जो 5 लोग काम कर रहे हैं स्टेशन में, वो 5 लोगों का पूरे स्टेशन में काम करने का पूरा काम नहीं होता वो 5 लोगों से। वो पूरा स्टेशन साफ करना और स्टेशन का आजू बाजू का एरिया भी साफ करना और वहाँ पे गिरे सो डंप भी जो है वो साफ कराना, वो उनके हाथ से नहीं होता। इसी सिलसिले में हम सब जाके, मैं और स्टेशन के थोड़े एक जो मेंबर्स थे आए थे स्टेशन कमेटी के, उनके साथ में हम बात करे हैं जाके कि अभी आप 12 आदमी को तो लगाइए स्टेशन के अंदर काम करने के लिए, सो डेट कि वहाँ पर काम चालू रखा जाए, सफाई काम चालू रखा जाए, कि बंद नहीं होना चाहिए सफाई। ये गुलबर्गे में आके उतरने वाले लोगों के ऊपर एक खराब सा इमेज क्रिएट करता है, ये हमारे को फर्स्ट इसके अंदर हम इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बोल के हम DRM साहब से और DCM साहब से बात करे हैं इसी सिलसिले से, और उनको बोले हैं कि आज ही आप क्लीन कराना स्टेशन। तो इमिडिएटली उन्होंने 5 आदमी का जो भी स्टेशन इंप्रेसिव अमाउंट बोल के रहता है वो अमाउंट आज का आज ही रिलीज करा के इमिडिएटली वो लोगों को काम चालू कराते हूँ बोल के हमको बोले हैं। इसके बाद कल या 1-2 दिन में
वो लोग उनके 12 कर्मचारी जो काम करना उसका एक अमाउंट फिक्स करके उनको बुला के जब तक टेंडर नहीं होता, जब तक अगला टेंडर नहीं होता तब तक ये 12 लोगों का काम करने का जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट उनको देंगे बोलते बोले। ऑलरेडी ये टेंडर एक आदमी को हुआ था, वो आदमी इसके अंदर करेक्ट फिट नहीं हो गया, वो तो टेंडर होने के बाद क्या हो गया, वो आदमी आए नहीं बोल के उन्होंने डीआरएम डीसीएम साहब बोल रहे कि ऐसा ऐसा वो आदमी उसको ये नहीं करा बोल के, इसीलिए उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है फिल वक्त के लिए। अभी नया टेंडर किया है, वो टेंडर के हिसाब से अब आने वाले दिनों में नया आदमी आएगा और टेंडर के अंदर 30 लोगों का 30 से 35 लोगों को काम करने का ये मिलेगा। वो जो अमाउंट जो टेंडर अमाउंट एक आता है, टेंडर अमाउंट इज डिफरेंट, और ये स्टेशन इंप्रेसिव बोल के एक अमाउंट आता है उसके अंदर एक इतना रेंज बोल के है, इतना ही दे सकते एक आदमी को काम लगा के, एक ही आदमी का पेमेंट ऐसा ही 5 से 6 आदमी का पैसा उन्होंने दे सकते। अभी ये 12 आदमी का भी जो है स्पेशल केस में लेके 12 आदमी को अभी जो करा रहे हम 12 आदमी काम करने का स्पेशल केस उनमें लेके करिए बोल के हम रिक्वेस्ट करें हैं उनसे, और वो करते हैं बोल के विद इन 2 डेज एक मीटिंग लेके करते हैं बोल के बोले हैं। 1 मंथ पहले ही दिया जाता है टेंडर, ये लेट देने की वजह क्या है? टेंडर लेट नहीं हो गया, टेंडर हो गया था, जो टेंडर पार्टिसिपेट करे वो एक्टिव नहीं है। टेंडर कब का हो गया तो टेंडर के तो बीच में जो काम करने वाला आदमी है क्या हुआ उसके बारे में डिटेल्स लेने के लिए मैं अभी सोलापुर जा रहा हूँ, 2 दिन में जाता हूँ, वो आने के बाद आपको और एक बाइट देता हूँ उसके बारे में क्या है। संदीप विजय कुमार मिश्रा, DRACC मेंबर, सोलापुर डिवीजन। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।